गुड मॉर्निंग फ्रॉम जगदीशपुर। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:10 और 4 बजे से उठा हूँ, लगातार तैयारी कर रहा हूँ, नहा धो के मतलब कि जल्दी तैयार हो जाऊँ। देख रहे हैं पसीना कैसे आ रहा है चेहरे पे, एकदम पसीने पसीने हो गया हूँ। सुबह सुबह गर्मी से इतने पसीना हो रहा, और सुबह एक बार मौसम बना था बारिश का, लेकिन बादल चले गए, फिर से धूप आ गई। तो रेडी हूँ, तैयार हूँ, और आज और कल सैटरडे और संडे 2 दिन की एक लंबी राइड होने वाली है। लंबी मतलब अंबेडकर नगर आजमगढ़ तक का जो है एक्सप्लोर करेंगे। तो सब सारी तैयारी हो गई है और चलते हैं, निकलते हैं। वैसे हर बार के जर्नी में मेरे पास एक बैग पैक होता था, मतलब पिट्ठू बैग होता था, उसमें कुछ सामान होते थे। तो बारिश होने पर उसको रखने में और सेफ्टी के लिए मतलब दिक्कत होती थी, बारिश आ गई तो कहाँ रखें उसको, क्योंकि भीग जाएगा। तो इसलिए जो है इस बार सारा सामान हमने इसी डिग्गी में एडजस्ट किया है। बस रेन कोट ले लिया है, और बारिश अगर होने लगी तो रेन कोट पहन लेना है, और ये जो जैकेट वैकेट पहने हैं इसको निकाल के पीछे बांध देना, भीगते रहेगा। तो कुछ ऐसी जो है तैयारी की गई है, देखते हैं बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। दोस्तों एक बार फिर से नई जर्नी शुरू, और हम पहुँच चुके हैं अभी कमरौली। और आज की जर्नी अभी फ़िलहाल यहाँ से जगदीशपुर से गांव तक होने वाली है। गांव जा रहे हैं, इसी बीच में हम एक दो जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारी राइड 200 किलोमीटर की है, मतलब ठीक ठाक राइड है, इतना कम भी नहीं है 200 किलोमीटर बहुत होता है वैसे। और बादल है हल्का हल्का, ऐसे ही बादल बना रहे तो मौसम जो है साथ देगा। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अभी जगदीशपुर के मेन चौराहे पर, और यहां से अगर आप बनारस जाते हैं 193 किलोमीटर सीधा, और फैजाबाद 65 किलोमीटर, अमेठी 45, प्रतापगढ़ 82 किलोमीटर, रायबरेली आप दाहिने कट जाएंगे। तो हमें यहां से करीब 17-18 किलोमीटर जाना है, वो भी हलियापुर। वहाँ से हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिलने वाला है, और उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से फिर हम जो है निकल जाएंगे उधर की ओर। इस लड़के से पूछते हैं, बंद तो नहीं है पुल? ओ पुला आम घाट वाला बंद तो नहीं है, चालू है? ठीक 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 ठीक। दोस्तों मैं जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि अभी मैं पहुंचा हूं आम घाट के पुल पे, और ये इकलौता सिंगल ऐसा ब्रिज है जो अयोध्या को रायबरेली से जोड़ता है, और ये पड़ता है आम घाट में हलियापुर के पास में। और ये पुल पूरा जर्जर हो चुका था अभी, मतलब 2-3 हफ्ते पहले जो है ये 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, प्रॉब्लम आ गई थी इस पुल में। तो अभी इसके बगल में 4 लेन वाला जो है बड़ा पुल 4 लेन का बन रहा है। तो ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये क्या नाम है, इधर वाला जो हमारे दाहिने साइड में जो पुल है, ये लगभग बन के तैयार है। इस पे पानी रुकता था, एक बड़ी समस्या, देख रहे हैं इन्होंने अब पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और लगभग सारे पिलर तैयार हैं। पिलर के साथ साथ में इन्होंने ऊपर से भी इसका वो सारा चीज़ रख दिया है। तो कुछ नज़ारा इस तरह का है, और ये पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जलकुंभी वगैरह पता नहीं कहाँ से आ रही है इसमें, और इसमें अभी बारिश में तो जो है भर जाएगा पानी पूरा नदी में। काफ़ी उपजाऊ वाला एरिया है, और ये है गोमती नदी। गोमती नदी लखनऊ से होकर के आती है, और इधर जौनपुर होकर के सुल्तानपुर होके निकलती है। दोस्तों सामने ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस, और इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हमें चढ़ जाना है, और लखनऊ गाजीपुर के लिए इसी से चढ़ना है हमें। कैसे क्या टोल का सिस्टम है भैया? हम जाएंगे सुरहुरपुर, दोस्तपुर के थोड़ा सा आगे वाला, जो अकबरपुर शाहगंज वाला है ना, उसी पर उतरेंगे। यही पैसा जमा हो जाएगा? पहले तो ये होता था कि एंट्री होगी और वहाँ, अच्छा और जिसमें फास्ट टैग नहीं है पैसा ही कट जाएगा, जाएंगे वहाँ इजेक्ट हो जाएगा। हैं? पर्ची जो
में रहेगी। अच्छा अच्छा ये चक्कर, ठीक 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 ठीक, ये है सिस्टम। लीजिए भैया, मैं सोचा था कि आप लोग पर्ची निकाल के एंट्री के दोगे और वहाँ पैसा कटेगा, मैं ऐसा सोच रहा था। हाँ हाँ सही है, 64। तो भाई देखो यार, नया अपडेट है, बाइक से अगर आप चढ़ते हो आप बता दो कि आपको कहाँ उतरना है और टोल वहीं पे आपका पेमेंट हो जाएगा। बाइक का फास्टैग बनता है कि नहीं बनता है इस बारे मुझे कोई जानकारी नहीं है, अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग बताइएगा कि बाइक का क्या कोई फास्टैग बनता है। अगर लखनऊ जाना है तो सीधा दाहिने तरफ से, गाजीपुर के लिए बाएं तरफ से, तो हम बाएं तरफ से मुड़ जाते हैं इधर से, क्योंकि हमें जाना है गाजीपुर साइड में, आजमगढ़ साइड में। मतलब मज़ा ही आ जाता है यार इस एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने का। 90 रुपये हमने टोल दिया है और 1 लीटर पेट्रोल समझ लो तो बात बराबर ही हो जाती है। मान लीजिए 15-20 मार्केट 100 किलोमीटर में आ गई तो वही पड़ जाएगा, इस पर थोड़ा एवरेज मिल जाएगा, समय बचत हो जाएगी। और ये अब आ चुके हैं हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। हेलमेट लगाने से बाल खराब हो गया है और अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, जहां से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। और ये जगह है सुल्तानपुर और सेमरी के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ और हवा इतनी मस्त चल रही, ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा है कि उधर की ओर बारिश हो रही हो और उस बारिश की हवा आ रही है। और इस जगह पे बिल्कुल लंबा चौड़ा एकदम हाईवे बना हुआ है और बीच में डिवाइडर बना हुआ है, पीछे डिवाइडर हटाने से ये बन जाएगा हवाई पट्टी। मतलब यहाँ पे एरोप्लेन को कभी भी इमरजेंसी में लैंडिंग किया जा सकता है या इसको रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज की जर्नी अभी मैं जो है हलियापुर से चढ़ा था, करीब 45 किलोमीटर आ चुका हूँ और हलियापुर से मैं जाऊँगा अकबरपुर शाहगंज, शाहगंज वाला जो एग्ज़िट है वहाँ तक जाऊँगा। तो ये मेरी बाइक रही, बताइए कैसी लग रही है। एकदम अभी तो मज़ा आ रहा है, एकदम बिल्कुल गजब का परफॉर्म कर रही है। थोड़ा एयर का इशू आ रहा है, वाइप बता रही थी कि आगे वाले में हवा कम है, वैसे मेरे पास पंप है, एक बार चेक करके देख लेता हूँ क्या कंडीशन है हवा की। तो मज़ा ही आ रहा है। तो इस हाईवे पे जो टोल लगा है मेरा, वो मैंने बताया कि मैं यहाँ से, जहाँ से एंट्री कर रहा हूँ हलियापुर से, मैं आगे 100 किलोमीटर जाऊँगा और वहाँ से एग्जिट करूँगा। तो उन्होंने 90 रुपये, 100 किलोमीटर का 90 रुपये लिया है, तो 90 पैसे प्रति किलोमीटर हो गया टोल यहाँ का। और शुरू में ही पैसा जमा हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पर्ची कट जाएगी एंट्री की और एग्जिट में पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एंट्री हुई है, यहीं पे पैसा इन्होंने ले लिया, मतलब अब जो है पैसा ले लिया तो आप कहीं से भी भाग सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं करूँगा, मैं एक ज़िम्मेदार पर्सन हूँ, ज़िम्मेदार नागरिक हूँ देश का, ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं बिना मतलब इलीगल काम नहीं कभी मतलब करना चाहता हूँ, मेरा दिल इच्छा नहीं देता। फिलहाल ये चौड़ा सा जो बना हुआ, यहीं पर उद्घाटन हुआ था और मज़ा आ रहा है चला करके, और हमने सोचा कि आपको अपडेट देते हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है, इस समय मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राइड कर रहा हूँ और आगे अभी मुझे 50 किलोमीटर और जाना है। तो 50 किलोमीटर का मतलब 40 मिनट मान के चलिए, 35 से 40 मिनट और लगेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि अगर 100 की स्पीड में अगर मैं चला रहा हूँ तो रोड पर कंसंट्रेशन बनाना पड़ रहा है 90 से 100 के बीच में, और अगर 80 की स्पीड में चल रहा हूँ तो हरियाली का मज़ा ले रहा हूँ। दोनों साइड में हाईवे का अगल बगल में जो हरियाली है ना, एकदम बिल्कुल ग्रीनरी हो रही है और धान के खेत हैं, धान लगाए जा रहे हैं, उसका खूब ही मज़ा आ रहा है। तो 75-80 किलोमीटर की स्पीड में एकदम मतलब पूरा इंजॉय करते हुए, अगल बगल नज़ारे देखते हुए हाईवे का इंजॉय करके चल पा रहे हैं। तो आज और कल में, दोनों दिन में हम अंबेडकर नगर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप अंबेडकर नगर से हैं तो आप अपने प्लेस का नाम लिख भेजिए और मुलाकात भी हो सकती, हो सकता कहीं आप हमसे टकरा भी जाएं। तो ये कुछ रूट प्लान है और अंबेडकर नगर आजमगढ़ के कुछ क्षेत्रों को एक्सप्लोर किया जाएगा। और हवा भी बहुत मस्त चल रही है, एकदम ठंडा हो गया है। कल टेंशन हो रही थी कि इस गर्मी में कैसे राइड करेंगे, लेकिन मज़ा ही आ गया। और कमेंट में लिख भेजिए
अपना नाम और अपनी जगह का नाम लिख दीजिए। दोस्तों अभी हम हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर और यहाँ पे बना हुआ है रनवे इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, वहीं पे खड़े हैं और काफ़ी स्पेसियस है। यहाँ पे लोग खड़े होकर के फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, तो मैं भी यहीं पे रुक गया हूँ। और यहाँ पे कुछ यात्री मिल गए हैं जो लखनऊ से अपने घर की ओर जा रहे हैं। बताएं अपना नाम बताएं भाई साहब। हाँ, मेरा नाम हसन हसन भाई है। और आप बताइए। सुधीर जी। समीर। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लखनऊ से। कहाँ तक जाएंगे? आजमगढ़ तक जा रहे हैं। तो बढ़िया है, एकदम एंजॉय करते हुए जाइए। इन लोगों से मज़ा आ रहा है। तो इन लोगों से हमने जो है फोटोग्राफी कराई है, वीडियो वीडियो मतलब इनके साथ शूट कराया है और फोटोग्राफी, हमारे फ़ोटो भी खींच गए क्योंकि मैं जब आया था यहाँ पे कोई था नहीं, तो मज़ा ही आ गया भाई साहब से मिल करके। और काफ़ी बढ़िया इंसान है, मज़ा आ गया मिल करके। चलिए फिर कभी जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होती है। वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। पीछे लिखा हुआ था रेस्ट और सर्विस एरिया, तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं रेस्ट और सर्विस एरिया में क्या है। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, केवल पेट्रोल पंप दिख रहा है। अभी पेट्रोल पंप लग रहा चालू नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे कुल 100 किलोमीटर का सफर रहा और गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से पर्राटे भर रही हैं। अच्छा भी लगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे मज़ा आ गया चला करके। और अब इसको लीव कर रहे हैं 100 किलोमीटर चलाने के बाद, तो थोड़ा बुरा लग रहा है। अब आगे यहाँ टोल प्लाजा है, शाहगंज वाला इधर लगा हुआ है, यहाँ से हमें एग्जिट करना है। और कुल अभी मैं अपने घर से 123 किलोमीटर आ चुका हूँ और मुझे लग रहा है कि 10-20 किलोमीटर के दायरे में मुझे जाना है जिस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब मुझे जो है यहाँ पे लोकेशन लगाना पड़ेगा, मुझे जहाँ जाना है उन्होंने अपना जो है लाइव लोकेशन भेज दिया है, तो लाइव लोकेशन मोबाइल में ऑन कर लूँगा और जिससे मैं आसानी से उस जगह पे पहुँच पाऊँ। ठीक है, तो अब अभी तक तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब जो है अब हमें लाइव लोकेशन अपना ऑन करना पड़ेगा, तो अब ऑन कर लेते हैं और फिर लोकेशन के हिसाब से निकलते हैं। हाँ हाँ, रायबरेली फैजाबाद वाले से। अच्छा, एंट्री करनी पड़ती है क्या इसकी? अच्छा अच्छा, हो गया। चलो हेलो, सर्विस रोड पकड़ कर आइए, हम भी सर्विस रोड पे हैं। रोड के उत्तर साइड से आप आइएगा। रोड के उत्तर साइड से? ठीक 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 ठीक, इधर से आप थोड़ा उधर 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 सीधी पड़। हाँ आइए, हम हैं सर्विस रोड पे हैं। ठीक 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 ठीक। तो अभी जिसके यहाँ जाना था वो देखिए इधर रास्ते में ही मिल गए। कैसे हैं? बस बढ़िया है। तो ये देखिए इनकी रही हिमालयन, तो फाइनली हम लोग मिल चुके हैं और अभी तो हम निकलेंगे मित्तूपुर की तरफ और वहाँ से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर इनको ले चलते हैं अपने घर पर। उमा शंकर जी। अरे इस पे भी 100 की स्पीड भाग रही है। अरे ये तो 100 की स्पीड पकड़ ले रही है, पता ही लग रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, गोरखपुर वाला। अच्छा, गोरखपुर एक्सप्रेसवे। हाँ, ये पीछे यहाँ से लिंक एक्सप्रेस, ये मेरे घर के बगल से जा रहा है। ये यहाँ मतलब वहाँ गांव में 5 किलोमीटर बगल से, हमारे भी घर के बगल से कटका, जो कटका एग्जिट पड़ेगा, कटका उतर के अतरौलिया, फिर आगे अतरौलिया पड़ेगा, बगल में ही एकदम जस्ट। एकदम थाने के बगल में ही बना। तो कटका से गांव तक थोड़ा वही लोकल रोड में जाना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर बस, बाकी तो बगल में समझिए। तो पहले यहाँ की हो लेते हैं हम। हाँ हाँ चलिए, तो क्योंकि ये नज़दीक में है। अच्छा, पास में ही है, चलिए चलते हैं। तो चला जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से होके फिर घर पे चलते। हाँ, मित्तूपुर में एक पुरानी हवेली या कोठी है और उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर आसपास के एरिया को देखते हैं, घूमते हैं। दोस्तों अभी हम हैं मित्तूपुर में और मित्तूपुर की ये कुछ मार्केट है, जलालपुर के पास में ये मित्तूपुर वैसे, और यही रोड पीछे पवई और शाहगंज भी चला गया है, मित्तूपुर होकर के शाहगंज। तो मित्तूपुर जो है पहली बार मैं आया हूँ, फर्स्ट टाइम लग रहा है। यहाँ से मुड़ना है क्या या कुछ खाना होना? बाजार है मित्तूपुर। ये मित्तूपुर मार्केट है? अच्छा अच्छा। और यहीं से थोड़ी दूर पर है जलाल। कितना दूर है जलालपुर यहाँ से? छह किलोमीटर बस।
मतलब घर के पास में ही है, वहाँ 17 किलोमीटर मेरा घर है। अभी बैठे हुए हैं मित्तोपुर में और थोड़ा मुंह धुला है, जैसे पसीने जैसे हो रहा, गर्मियों से हो रही है, बहुत ज़्यादा है। माँ शंकर भाई आज हमें पूरा एक्सप्लोर कराने वाले हैं अपने एरिया को, मित्तोपुर। पहले मित्तोपुर फिर चलेंगे अपने घर की तरफ, लेके तरफ और भी कोई जगह। तो पहले तो जलपान हो जाए, क्योंकि 150 किलोमीटर हो गया लगभग कराते। हाँ, 150 किलोमीटर हो गया। और मित्तोपुर में हमें मिला है प्योर खोआ, ये मिठाई नहीं खा रहे, प्योर खोआ खा रहे हैं, इसमें चीनी नहीं है और ये शुद्ध दुकान का बना हुआ है। दुकान का नाम क्या है? रसराज स्वीट हाउस। रसराज स्वीट हाउस में बैठे हैं और प्योर खोआ खा रहे हैं, गांव का मज़ा आ गया भाई साहब। और वैसे मुझे ऐसा खोआ मैंने पहली बार कभी खाया नहीं था, जो भी मिलता है मतलब चीनी वाला मिलता है, बिना चीनी का खोआ है, बिना चीनी, अलग ही टेस्ट है। गांव में यही सब शुद्धता मिलेगी, शहर में कहाँ मिलेगा। सिंथेटिक दूध का होता है या फिर जानते ही आप लोग। तो ये वीडियो काफ़ी मतलब लंबा हो जाएगा। अब आपको आगे का वीडियो देखने के लिए अगले एपिसोड में देखना पड़ेगा। और इस वीडियो का यहीं पे एंडिंग करते हैं। और कैसा लगा वीडियो कमेंट अवश्य करिएगा। और देखें मिल्कीपुर यहाँ राइट साइड जाना है, तो हेलमेट पहन के हमेशा चले, अपनी सुरक्षा अपने परिवार की सुरक्षा अपने हाथ में है, ज़्यादा बेहतर है कि सेफ्टी के साथ चले। स्पीड लिमिट को ध्यान में देखते हुए बाजार भीड़ भाड़ जहाँ ऐसा है वहाँ संभल के चले। तो ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।